नमस्कार, खूंटी जिले की खबरों से अवगत कराते हुए बता दें कि सीएनटी एसपीटी एक्ट मुंडारी खुटकटी अधिकार एवं पांचवें अनुसूची को कड़ाई से लागू कराने हेतु खूंटी जिले भर से लोग खूंटी में एकत्रित हुए। खबरों को विस्तार से बता दें तो केंद्र सरकार की योजना प्रॉपर्टी कार्ड के विरोध में जिले भर से आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए, जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करते हुए सीएनटी एसपीटी एक्ट मुंडारी खुटकटी अधिकार एवं पांचवीं अनुसूची को कड़ाई से लागू कराने की मांग की। इस दौरान हमने खूंटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी दयामनी वारला से बातचीत किया। उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा, मैं आपको सुनवाता हूं। कार्यक्रम मिलता है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, और यहाँ सीएनटी एक्ट है, पांचवीं अनुसूची है, मुंडारी खुटकटी अधिकार है, और यहाँ पांचवें अनुसूची के तहत में ग्राम सभा को जो अधिकार है उसको कड़ाई से लागू करने की मांग को लेके हम लोग आए हैं। और यहाँ हमारा जो सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, और यहाँ जो ग्राम सभा के जो अधिकार है, मुंडारी खुटकटी अधिकार है, ये हमारा धरोहर है, यही हमारा भाषा संस्कृति और इतिहास है, इसी में हमारा भाषा संस्कृति फलता और फूलता है। लेकिन बहुत साजिश के तहत में सीएनटी एक्ट को भी तोड़ने की साजिश की गई, कई कानूनों में संशोधन हुआ, एसपीटी एक्ट को तोड़ने की साजिश की गई है, और पाँचवें अनुसूची में जो ग्राम सभा के अधिकार हैं उनको भी तोड़ने का साजिश किया गया है। और यहाँ जो भूमि बैंक बना है, वो भूमि बैंक पूरी तरह से कारपोरेट घराने को, यहाँ का जल जंगल जमीन को हैंडओवर करने के लिए बनाया गया है, उसी का अगला कड़ी है। अभी जो स्वामित्व कार्ड या तो संपत्ति कार्ड जो बनेगा, वो डिजिटलाइजेशन के तहत में यहाँ जितना भी गांव के भीतर में जो जमीन है उसको एक एक इन जमीन को बड़े बड़े कारपोरेट घराने को हैंडओवर करेगा, और हमारे गांव के लोगों को सिर्फ छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा, जिससे यहाँ पर पांचवी अनुसूची छठी ग्राम सभा के अधिकार जो सीएनटी एक्ट के अधिकार हैं उसका पूरी तरह से वायलेशन होगा। तो हम लोग सरकार को बोलने के लिए आए हैं कि जो हमारा पहले से सीएनटी एक्ट है, हमारा ग्राम पांचवें अनुसूची का अधिकार है, खुटकटी अधिकार है, उसी अधिकार को आप हमें हमारे लिए लागू कड़ाई से लागू कीजिए, और इसी में हमारा विकास भी होगा, हमारा पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, और ये हमारा सामूहिक धरोहर है, इसकी रक्षा करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर इतने बड़े पूरे जिले से हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे हमारा सामूहिक धरोहर को संरक्षण दे। सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग हमेशा हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, जो भी लड़ाई हम लोग कोयलकारों का भी लड़ाई हम लोग लड़े हैं शांति प्रिय ढंग से, जंगल जमीन बचाने का जो भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है शांति प्रिय ढंग से, और शांति और हमारी एकता में इतनी बड़ी ताकत है, लोकतांत्रिक ताकत है, कि सरकार को झुकना पड़ा है। हर लड़ाई हम लोग जीते हैं, ये लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे, हमारा ग्राम सभा, हमारा गांव के किसान ही इस धरती के ताकत हैं, संघर्ष के ताकत हैं। तो अभी आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।